नमस्कार और आप देखें पल पल। मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सहायता के लिए जन सहायक हेल्प मी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में कोरोना महामारी के चलते राज्य के नागरिकों की सहायता के लिए जन सहायक हेल्प मी नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप प्ले स्टोर और कई जगह पर उपलब्ध होगा, जिसे कल से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की सहायता से प्रदेशवासी अपनी जरूरत के अनुसार सूखा राशन, एम्बुलेंस, डॉक्टर, बैंक की अपॉइंटमेंट, गैस सिलेंडर इत्यादि से अनुरोध कर सकते हैं। इस ऐप की सहायता से किसान अपना ऑनलाइन गेट पास बुक करके मंडी में अपनी फसल बेच पाएंगे। ये ऐप छात्रों को भी शिक्षा संबंधी जानकारी मुहैया कराने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप की सहायता से नागरिकों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, जैसा हम लगातार कोरोना महामारी से निपटने के लिए मिल रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज की चर्चा सर्वप्रथम आज जैसा हमको मालूम है कि भगवान परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। मित्रों, ऐसे संकट जब भी आते हैं, प्रशासन के तौर पर बहुत से ऐसे काम जो हमारी हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं वो सब करते हैं, और अभी भी लगातार मार्च और अप्रैल के महीने में जो सरकार की जिम्मेवारी है उस नाते से हम कर रहे हैं। हर विभाग जनता की सेवा के लिए लगा है और उसमें हम लोग अपने अपने विभाग के अनुसार जो जो चीजें करनी है वो सब कर रहे हैं। लगभग 12 से 15 विभाग ऐसे हैं जो अलग अलग सेवाओं में लगे हैं। सभी विभागों ने अपने अपने तौर पर अपने कार्यक्रम बनाए हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सब विभागों की सब जानकारियां जनता को होती नहीं है, पूरा लाभ वो लोग उठा नहीं पाते हैं। कोरोना से पूर्व भी समाज की भलाई की कितनी ही स्कीमें कई डिपार्टमेंट हमारे चला रहे थे, उस समय हमने टेक्निकल सब विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी टेक्निक आईटी इसको आगे बढ़ाते हुए सेवाएं ऑनलाइन की, ई दिशा केंद्र खोले, सरल केंद्र बनाए गए, अंत्योदय केंद्र के माध्यम से भी जनता को सेवाएं दी गई, गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर CSCs ये बनाए गए, बड़ी संख्या में लोगों को लाभ दिया गया। उसी अनुसार अभी कोरोना के समय में भी हर व्यक्ति की जो भी कोई दुखी है, पीड़ित है, जिसको कोई कष्ट है, उनके लिए कई कार्यक्रम हमने चलाए, अलग अलग ऑनलाइन सिस्टम से, अलग अलग ऐप के माध्यम से ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाई गई। लेकिन हमें ध्यान में आ रहा है कि बहुत लोगों को इन सब सुविधाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने हेल्पलाइन भी बनाई है, लगातार हर दिन हमारे पास 5000 से 8000 तक टेलीफोन कॉल्स आती हैं, और ये तो केवल कोरोना से संबंधित की आती हैं। अगर हम अन्य विभागों को भी साथ जोड़ लें, अर्थात फसल, किसान, मंडी, प्रोक्योरमेंट का विषय, या ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर से लोग जो लोग टेली मेडिसिन के माध्यम से दवा लेना चाहते हैं, ये सब विषय यदि इनको जोड़ते हैं तो और डबल संख्या ये हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को एक साथ एक जगह पर लाकर और एक सुविधा ऐसी दी जाए ताकि किसी को भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम एक ही क्लिक बटन से अपने मोबाइल के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक ऐप बनाया है, जन सहायक, इस नाते से इस ऐप का नाम होगा। कहीं इसका प्रचार हेल्प मी इस नाते से भी हुआ है, लेकिन जन सहायक के रूप में इस ऐप को हम कल से डाउनलोड कर सकेंगे और उसमें से जो आवश्यकता हमारी है, जो सहायता हमको चाहिए, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो आपके सामने इस सारे विषय को रखेंगे।
हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री विजेंद्र सिंह जी, और अतिरिक्त हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाशंकर जी इस विषय के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताएंगे। एक बार मैं इनको अपनी ओर से हैंडओवर करता हूं कि इस विषय को जरूर जनता के सामने रखें।